ओके गाइस, स्टोरी टाइम. कि भाई आपने हेर फेर भाई फातिमा से नाम अपना श्रबलिंग्स बाय जे क्यों कर ली, और व्हाट वाज द रीज़न कि भाई श्रबलिंग्स बाय जे एंड हेर फेर बाय फातिमा समझ नहीं आई. तो भाई मैं बताती हूँ आप लोगों को. मैंने श्रबलिंग्स बाय जे इसलिए नाम रखा क्योंकि मैंने अब अल्लाह खैर करे इस चीज़ को नॉट ओनली नेशनली बट इंटरनेशनली भी इसको ग्रो आउट करना है. तो आई नीडेड अ नेम जो कि ईजी हो. और दूसरी चीज़ ये है कि हेयर अफेयर जो है ना, काफ़ी लोगों ने अब कॉपी करना शुरू कर दिया था, तो उसमें मेरा एसेंस कुछ भी नहीं था. लाइक अबाउट एक ब्रांड का एक एसेंस होता है ना, कि लाइक वो अपनी एक पहचान होती है, तो वो चीज़ नहीं आ रही थी और इट वॉज़ गेटिंग वेरी कॉमन. तो इसलिए मुझे हेयर अफेयर बाय फातिमा से स्विच करके श्रबलिंग्स बाय जे को लॉन्च करना पड़ा था. और इसकी मैंने रीब्रांडिंग की, मुझे काफ़ी अपनी मिस्टेक्स भी नज़र आई कि मैंने पहले जिस तरह मैं करती थी, तो जो मेरी बॉटल्स थी उस पर सिर्फ और सिर्फ उनका नाम भी नहीं होता था, ये स्टिकर लगा होता था पीछे, हाउ टू यूज़ भी नहीं होता था, इंग्रेडिएंट्स भी नहीं मेंशन होते थे, एक्सपायरी डेट भी नहीं होती थी, और क्योरलिटी फ्री या कोई भी कि ऑर्गेनिक है कि नहीं है, कितने मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं, एनिमल टेस्टेड है कि नहीं है. तो अब इसके अंदर मैंने सब कुछ डाला है, इंग्रेडिएंट से लेके हाउ टू यूज़ से लेके और कैसे करना है, किस तरह करना है, ये है, और इसके फ़ायदे भी लिखे हुए हैं. ठीक है, तो मुझसे यूजुअली लोग यही पूछते हैं कि भाई ये आपका क्या है, इट्स ओनली अ हेयर सीरम और व्हाट इट इज़. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो.